हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 12:35 हो चुका है और मुझे भी नहाना भी है। मैंने पहले घर का हर काम कर लिया और धूप देखिए कितनी तगड़ी है। अब चलते हैं नहाने के लिए। ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही थी गाइस। आज पूरी घर की क्लीनिंग हुई थी ना, तो वही तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लंक है, यहाँ पे एक पूरा खाली हुआ था। ये इनको यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर से अच्छे से शिफ्ट करेंगे। अभी के लिए ऐसे करेंगे, रात को फिर से हम शिफ्ट करेंगे। और ये था यहाँ पे मेरा सामान, मैंने रख दिया है, पर सबको अलग अलग करेंगे। अब चलते हैं नहाने के लिए। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अब मुझे अच्छा ठंडा लग रहा है, मैंने बाल भी अपने बांध लिए हैं। अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं आज के खाने में क्या बन रहा है। तो आज के खाने में मुझे पता चली कि आज गोभी का पकौड़ा बन रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने कुछ एक टमाटर के लिए और एक प्याज के लिए सैलड बनाएंगी। तो यहाँ पे पहले मम्मी ने पानी डाल दिया, सभी सब्जियाँ को धो लेंगी अच्छी तरह से। तो किसको किसको गोभी पकौड़ा खाना अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए जो जो सैलेड के काटने के लिए हैं, तो अजीब टाइप का सैलेड कट रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी कभी कटता है। और मम्मी है यहाँ पे टमाटर काट रही है। और यहाँ पे देखिए सैलेड बनके रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे। तो इसके अंदर मैंने दो मिर्ची भी डाल दी, थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हम थोड़ा सा छोटा नींबू की भी कट करके दे देंगे इसके अंदर। कौन कौन नींबू डाल के सैलेड खाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सैलेड के अंदर हमने नींबू डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम गोभी को प्याज जो है ना तो वो भी काट लेंगे। और यहाँ पे सभी मिर्ची को हम निकाल लेते हैं पानी में से, तो इसको हम तो बाद में काटेंगे। और मुझे लग रही थी भूख और मेरे भाई ने कुछ नाश्ता लाया है खाने में। आइए दिखाती हूँ नाश्ते में क्या है। तो आज के नाश्ते में है वड़ा पाव। वाह, मेरा फेवरेट वड़ा पाव। मुझे वड़ा पाव खाना बहुत ही पसंद है, आपको ही पसंद है। इसने दो दो होटल से अलग अलग पाव लाया है, क्योंकि इसको एक होटल में पाव दो ही मिला था इसलिए। और यहाँ पे देखिए अलग अलग पन्नी में है। ये है ब्रेड, इसको मैं ही खाऊंगी। और यहाँ पे एक और ब्रेड है, मतलब दो ब्रेड है, दोनों अलग अलग शॉप से लाया है मेरे भाई ने। तो अपने अपना सबने ब्रेड चूज़ कर लिया, कौन किसका होगा कौन किसका होगा। और यहाँ पे मेरा है। और चलते हैं वड़ा निकालते हैं। और वड़ा भी चार है, तो एक मैं अपना लिए वड़ा ले लेती हूँ। और यह एक अंशु को भी दे देती हूँ, वो खुद चूज़ करके लेता है कि उसको कौन सा वड़ा चाहिए। मैंने उसको दिया, वो बोल रहा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा। ये हमेशा सब कुछ बड़ा वड़ा खाता है। और यह है मेरा नाश्ता, अब खाते हैं। और यहाँ पर मैं खा रही वड़ा पाव जो काफ़ी यम्मी था, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे खाना भी बहुत पसंद है वड़ा पाव। और यहाँ पे मैं मम्मी उधर से बुला भी रही थी, कुछ आ जाओ दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं। और यहाँ पे मैं अपना वड़ा पाव खा रही हूँ जो काफ़ी यम्मी है गाइस, सुबह सुबह खा रही हूँ। आइए देखते हैं, मम्मी बुला रही है हमको। मम्मी ने बोला कि देखो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। और यहाँ पे गोभी को हमने छोटे छोटे पीस में कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके अंदर नमक डालेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा और नमक डालेंगे और लाल मिर्चा, मुझे फर्स्ट वाला नहीं पता था कि वो लाल मिर्ची है। और इसके अंदर थोड़ा जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, हमने सभी मसाले को डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे जीरा। और इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे प्याज और मिर्ची जो हमने कट करके रखा था पहले से ही। तो इसको अंदर हमें डाल दिया है, प्याज और मिर्ची को डाल देते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन कुछ थोड़ा कोशिश करेंगे ज़्यादा डालेंगे। और अगर पानी भी हमें डालना है तो मैंने प्याज मिर्ची डाल दिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लग रहा है कि पक्का ही गीला हो गया होगा, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम बहुत चलाएंगे और बाद में पता चले सच में ये गीला ही हो गया था। तो इसके अंदर हम थोड़ा बेसन और डाल देंगे।
ये थोड़ा गीला गीला लग रहा था इसलिए मम्मी ने बोला थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेसन लहसुन डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कितना भी बना सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, खाने में बहुत ही यम्मी रहेगा। और वहाँ पे हमारे तब तक कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जितनी कोशिश हो उतना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, और इसको थोड़ा डाल देते हैं। और देखिए इसमें कितना अच्छा बन रहा है, जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर पकने के बाद ये थोड़ा लाल हो गया है, अच्छी तरह से लगता है बन, थोड़ी देर में और बन जाएगा 2 मिनट में। और दिखने से अभी यम्मी लग रहा है खाने में, कितना टेस्टी होगा ना गाइस। अभी इतना बचा है, इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, अगर इसको नहीं चलाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं पकेगी। और आज खाने में दाल चावल और यहाँ पे ये, तो ये लगता है बन गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसका तेल गलने देंगे नहीं, ये नहीं गलेगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा खाने में। तो अब दूसरा बार हम डालेंगे, इस बार मसाला डाल देंगे। देखिए कोने कोने में भी डाल देंगे, तेल को पूरा भर देंगे। अब हमने डाल दिया है सारे बैटर को, इतना सारा बना है, चलते हैं हम खाना निकालने के लिए। तो ये है खाना, अच्छे खाने में इतना बना है। और खाना देखिए कितना यम्मी बना है, और यहाँ पे बन भी रहा है, थोड़ी देर में ये पक अच्छी तरह से पक जाएगा। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के मैंने कितनी बार आपको बोला है कि हम लोग फ़ोन ज़रूर देखते हैं खाना खाने के समय। इसको गुस्सा आ रहा है, इसको कैमरा में फ़ोटो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चिंपू शिम्पू देख रहे हैं। तो दोस्तों यही रही आज की ब्लॉग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यही रही आज की ब्लॉग, बाय।